जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ वाराणसी में। यहाँ पर एक और फेमस मंदिर है, तुलसी मानसा मंदिर। तो चलिए इसके बारे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर हुई श्री सत्य नारायण तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। तो चलिए चलकर आपको और अंदर से भी आपको रूबरू कराते हैं और अंदर का दृश्य दिखाते हैं, आइए। तो चलिए चलकर आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधि बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीने जुलाई से अगस्त तक में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है, जो रामायण से संबंधित है। अगर आप एक मज़ेदार अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो सावन के महीने में यहाँ की यात्रा ज़रूर करें। तो इसके बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए तो चलिए यहाँ चलकर एक संत हैं, उनसे बातें करता हूँ। बाबा, आप अपना नाम बताइएगा। आप यहाँ के पुजारी हैं? पुजारी नहीं है, पुजारी। तो कहने का मतलब इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा। हम जो लिखा है वही बता सकते हैं, राधा रामायण लिखा है, पूरा रामायण ये मंदिर लगभग कितनी पुरानी होगी? पुराना होगा, कभी कभी 1 लाख होगा, 1 लाख बरस। ये मंदिर 1 लाख वर्ष पुरानी है? पुरानी है, बहुत पहले का। आप इसके बारे में और भी कुछ विशेषताएँ बताएंगे? और नहीं है, कृष्णा जी का मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, वहाँ पर शंकर भगवान रहते हैं, उनका बहुत दूर भगवान रामनगर में रहते हैं, वहाँ पर बहुत यहाँ है, हर हमें दिमाग में है। तो कहने का मतलब यहाँ से बहुत सारी जुड़ी हुई तथ्य है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ पे आए हुए दर्शनार्थी लोगों से भी बातें करते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। तो यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थी लोगों से मैं बातें करवाता हूँ, यहाँ पर एक मौजूद है, मैं इनसे बातें करता हूँ। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ऋषि है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से बनारस घूमने के लिए आई हैं, तो आप यहाँ इस मंदिर में आई हैं, तो यहाँ से आपने क्या मतलब जाना? हाँ, तुलसीदास जी ने सुना है कि रामायण यहीं से बैठ गए होंगे, रामायण तो पूरे 22 साल बहुत अच्छी होती है, सीतारा माता जी मतलब यहाँ घूम कर आपको मन का शांति हुआ? बहुत शांति। जी मैम, आप अपने नाम बताइएगा। चित्रा जैन, मेरठ से आई हूँ। आप मेरठ से यहाँ वाराणसी घूमने के लिए, इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे मेरी दीदी रहती है, उन्होंने बताया कि मानस मंदिर है, यहाँ पे बहुत मान्यता पूरी होती है, राम दरबार भी है, इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, माता का मंदिर है, यहाँ पे बहुत अच्छी रामायण लिखी हुई है, तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो और भी ऐसी खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, वाराणसी।